दोस्तों नमस्कार सलाम सत श्री अकाल जी हां दोस्तों मैं विपिन कुमार फिल्म गुरु फिल्म मेकर आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों सक्सेस गेट फिल्म अकेडमी दोस्तों आज 8 नवंबर 2020 है और मैं केदारनाथ या दोस्तों केदारनाथ में आया हूं दोस्तों केदारनाथ आपने मूवी देखी होगी दोस्तों ये वही पत्थर है जिसको आप पत्थर ना कहें दोस्तों ये साक्षात एक प्रतीक है दोस्तों एक आस्था का एक धर्म का प्रतीक है दोस्तों जिनको भी एक आशा के किरण और जिनको भी जो धर्म में बिलीव करते हैं जिनको लगता है कि तीसरी शक्ति इस दुनिया में तीसरी शक्ति है दोस्तों जो भी मानते हैं दोस्तों उसमें एक प्रतीक है। आप लोगों ने मूवी देखा होगा दोस्तों केदारनाथ, उसमें जिस तरीके से त्रासदी दिखाया गया है, जिस तरीके से एक बाढ़ का सीन दिखाया गया है, उसमें मंदिर को नुकसान पहुँचने वाला था, लेकिन ये जो पत्थर आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे, इसी पत्थर के रुकने के कारण ये मंदिर, ये हजारों साल पुराना मंदिर दोस्तों केदारनाथ मंदिर, ये सेफली बच गया। यानी कि हिंदू धर्म का जो आस्था था दोस्तों, कोई भी धर्म हो दोस्तों, एक आस्था का प्रतीक, एक जीवन का प्रतीक, एक मानने वालों का प्रतीक, हजारों लोग यहाँ पे लाखों लोग आते हैं दर्शन करते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है दोस्तों कि ये तीसरी शक्ति इस दुनिया में है, अगर आपको बिलीव करना है, एक फील करना है दोस्तों, तो मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ एक बार केदारनाथ आप आए केदारनाथ, एक बार दर्शन करें बाबा जी और देखें किस तरीके से आपकी मन की जो शक्ति है, एक जो आशा के किरण है दोस्तों, आपको फील होगा कि बॉस आप जो है इस दुनिया में अगर पीस ऑफ माइंड है, कहीं शांति है दोस्तों, तो केदारनाथ दोस्तों। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था केदारनाथ के ऊपर। मैं आशा करता हूँ आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, कर्मा करेंगे दोस्तों और अपने सपने को साकार करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।